नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास है अशोक लीलैंड मॉडल नेम। मैं आपके सामने अनरैप करता हूँ 1920HF। ये बॉडी जानी पहचानी अशोक लीलैंड की पुरानी बॉडी, पुराना जो काउल है यहाँ पर हमको देखने को मिलता है अशोक लीलैंड का। जो नया काउल है, नया केबिन डिज़ाइन है, वो हमारे पास ये है। बट ये आती है पुराना काउल, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। बहुत ही सिंपल सोवर और एक बहुत ही बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लुक यहाँ पे अशोक लीलैंड की इस गाड़ी का, इस काउल का देखने को मिलता है। इसलिए बहुत हाई डिमांड पर अशोक लीलैंड ने ये गाड़ी दोबारा से लॉन्च किया है, ये वाला काउल अपना दोबारा से लॉन्च किया है। बट ये इस मॉडल के अंदर हमको देखने को मिलता है 1920HF के अंदर। इसकी मैं बात करूँ, इसमें ये आती है हमारे पास ओपनेबल, यहाँ पर ग्रिल आती है। जो नया मॉडल है उसके अंदर ग्रिल ओपन नहीं होती, यहाँ पर ये दो साइड यहाँ पर हैं, इससे ये ओपन हो जाती है। फ्रंट लुक की बात करें, फ्रंट लुक पे एक बिल्कुल एक प्लेट के अंदर जो हमको मिलता था यहाँ पर, ये अशोक लीलैंड लिखा हुआ मिल जाता है। और एक अशोक लीलैंड का बहुत छोटा यहाँ पर एक बहुत अच्छा लोगो, वही सेम बट बहुत अभी कुछ चेंज कर दिया। पहले ये अंदर फिटेड आता था, अभी बाहर रख के दे दिया है। ओपनेबल ग्रिल आती है इसके अंदर रेडिएटर के लिए, अंदर इसमें कूलेंट बॉक्स मिल जाता है हमको। और इसमें हमको केबिन के सेम इसी पार्ट के अंदर ही हमको ये थोड़ा अलग पार्ट दिया गया है नीचे वाला। इसके अंदर हमको सिंगल हैलोजन हेडलाइट्स देखने को मिल जाती हैं। बम्पर पे इसके रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। बम्पर इसका अलग है कि उससे बाहर निकला हुआ है। और इसकी जो FUPD है, वो जो इसका फ्रंट ये वाला नीचे वाला बम्पर है, ये इसका इसके अंदर है। यहाँ पर आ जाता है टोइंग हुक और कुछ ऐसा इसका सामने का लुक। ऊपर आ जाती है एक कैनोपी, जो ड्राइवर को रास्ते में डीलर या कस्टमर तक पहुँचाने के लिए कंपनी एक फैसिलिटी देती है। साइड लुक की बात करें, साइड लुक में एक यहाँ पर भी इसमें पिलर पे देखने को मिल जाता है, बहुत बड़ा एक इंडिकेटर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी एक टर्निंग इंडिकेटर हमको देखने को मिल जाता है। दो फुटस्टेप्स में ड्राइवर के साइड देखने को मिलते हैं। बाकी केबिन की ऊपर चलकर बात करते हैं, इसमें हमको टायर देखने को मिल जाते हैं 295/90R20 के हमको यहाँ पर टायर देखने को मिल जाते हैं। ये आ जाता है DPF सिस्टम, क्योंकि अब ये गाड़ी मॉडल वही BS2 BS3 वाला है, बट ये गाड़ी अभी BS6 के अंदर आती है, केबिन चेंज करके दिया अशोक लीलैंड ने, तो ये इसका DPF सिस्टम आ जाता है। 48 लीटर का पॉलीमर इसके अंदर हमको यूरिया टैंक देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक प्रेशर टैंक्स देखने को मिल जाते हैं हमको, यहाँ पर सिंगल और वहाँ पर कुछ नीचे प्रेशर टैंक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैं अभी आगे चल के आपको दिखाता हूँ। इसके चेचिस की बात करें, चेचिस इसमें 8mm थिकनेस के साथ में हमको चेचिस देखने को मिलती है। और इसमें 18 फिट से लेकर और 32 फिट तक हमको ऑप्शन मिल जाते हैं। कस्टमर अपने कोई भी डिमांड पर यहाँ पर गाड़ी ले सकता है 18 फिट से 32 फिट तक की लेंथ के अंदर। ये गाड़ी 32 फिट लेंथ के अंदर है। ये 6 टायर के सेटअप में आती है, सिंगल फुली फ्लोटिंग एक्सल के साथ में ये गाड़ी हमको देखने को मिलती है यहाँ पर है। मल्टीलीफ पैराबोलिक सस्पेंशन हमको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। पीछे स्पेयर व्हील इस गाड़ी का यहाँ पर आता है और यहाँ पर मिल जाते हैं इसके स्टॉपर्स हमको देखने को मिल जाते हैं। पीछे से बात करें, कुछ ऐसा लुक है, बहुत ही लंबी गाड़ी है, सिंगल मार्केट यूज़ के लिए ये गाड़ी सबसे बेस्ट है। कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होने पर ये गाड़ी दोबारा से अशोक लीलैंड ने लॉन्च की है। पीछे LED टेल लाइट्स देखने को मिल जाती है, हिंदुजा ग्रुप की बैजिंग और एक RUPD। पीछे से बहुत सिंपल, क्योंकि ये 6 टायर गाड़ी है, बहुत थोड़ी खाली लगती है अभी। और इसके चेचिस का एक डिज़ाइन दिखाऊँ, एक लैडर टाइप में इसके चेचिस का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आ जाती है इसकी नेम प्लेट, जिसके अंदर चेचिस नंबर, इंजन नंबर, हमको सब कुछ देखने को मिल जाता है। आगे बात करें, इसके अंदर डीजल टैंक की बात करें, डीजल टैंक हमको मिल जाता है 375 लीटर का। हमको यहाँ पर एक इतना बड़ा मेटल के अंदर हमको यहाँ पर डीजल टैंक देखने को मिल जाता है। आजकल जो आता है वो पॉलीमर डीजल टैंक देखने को मिलता है हमको और गाड़ियों के अंदर, बट इस गाड़ी के अंदर हमको आयरन का इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि ये पुराना मॉडल है, पुराने मॉडल के अंदर यही आता था। इसके भी अंदर अगर पॉलीमर मिल जाता सेम काउल के अंदर तो अच्छा रहता, क्योंकि इस टैंक के अंदर रस्टिंग की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। 375 से 400 लीटर तक का ये टैंक की डीजल कैपेसिटी हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। 12-12 वोल्ट की दो बैटरीज देखने को मिल जाती हैं, जो कि टोटल 120 एम्पीयर जनरेट करती हैं। यहाँ पर एक कटआउट स्विच दे दिया गया है कंपनी की तरफ से ही, ये यहाँ पर, और ये ऑयल फिल्टर वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये फ्यूल वाटर सेपरेटर यहाँ पर है। बाकी इसके अंदर इंजन की बात करूँ, 5660 CC का इसके अंदर इंजन देखने को मिल जाता है। 6 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है हमको 1920HF के अंदर, जो कि टोटल प्रोड्यूस करता है 700 Nm टॉर्क जनरेट करता है।
और 200 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है। आईजन 6 टेक्नोलॉजी के साथ में यहाँ पर ये अशोक लेलैंड का बेहतरीन खुद का बना हुआ इंजन देखने को मिल जाता है। कंडक्टर साइड की बात करूँ, कंडक्टर साइड में हमको देखने को मिल जाता है एक टर्निंग इंडिकेटर, यहाँ पर भी एक सेम दूसरी साइड की तरह यहाँ पर भी एक हमको फेंडर पर टर्निंग इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दिखाऊँ आपको मैं, ये देखने को मिल जाता है हमको एयर फिल्टर हमको इसके अंदर फ्रंट में देखने को मिलता है। इसके अंदर हमको यहाँ पर सस्पेंशन की बात करूँ, सस्पेंशन हमको शॉक एब्जॉर्बर पैराबोलिक सस्पेंशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो अभी इसके ऊपर चलते हैं, केबिन के ऊपर की बात करते हैं। यही था इसका एक बाहर से थोड़ा सा सभी इसकी जानकारी, बाकी केबिन के अंदर और भी चीज़ें हैं, गियर बॉक्स, बाकी वो सभी ऊपर चलकर देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए केबिन के ऊपर, ऊपर की साइड में हम काउल 1920 HF के ऊपर केबिन में हम आ गए हैं। यहाँ पर आपको क्लियर दिखाऊं, ये मिल जाते हैं AC वेंट्स हैं यहाँ पर दो, ये बिल्कुल पैक किया हुआ है। ब्लोवर यहाँ पर देखने को मिल जाता है हमको गाड़ी के अंदर, जो कि जब कस्टमाइजेबल इसके ऊपर बॉडी बन जाएगी पूरी, तो बॉडी बनने के बाद ये हटा दिया जाएगा, यहाँ पर ब्लोवर हमको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर ECS सिस्टम, EDC सिस्टम हमको देखने को मिल जाता है। ये कुछ टूल बॉक्स इसके अंदर आता है, और यहाँ पर एक टेप में एक चिट मिल जाती है हमको, वो मिलती है टायर प्रेशर्स के लिए। बाकी इसके नीचे एक बहुत बड़ा 5660 cc का इंजन देखने को मिल जाता है हमको। गियर बॉक्स की बात करूँ, 6 स्पीड फ्रंट और 1 रिवर्स सिंक्रोमस गियर बॉक्स हमको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 2 स्पोक्स स्टेयरिंग्स देखने को मिल जाता है अशोक लेलैंड का हमको, और ये यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं मोबाइल चार्जर की, USB टाइप की यहाँ पर फैसिलिटी हमको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलती है, जो कि नए मॉडल के अंदर भी नहीं है, बट इस गाड़ी के अंदर हमको देखने को मिलती है कुछ नया। ये iVox का स्विच है यहाँ पर, एक SOS हज़ार्ड, ये AC ब्लोवर के कंट्रोल्स यहाँ पर, ये हेडलाइट्स के कंट्रोल यहाँ पर अप एंड डाउन के लिए देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, ये हेडलाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, और इसके कुछ डिजिटल विद एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ वो कुछ ऐसा है दिखने में। अभी इसके ऊपर टेप लगी हुई है, तो कुछ इस तरीके का इसका हमको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर में रात में लाइट ऑन हो जाती है बहुत अच्छे से, बहुत ब्लू LED टाइप में लाइट ऑन हो जाती है। तो ये हमको मीटर की बात करूँ जो बेच में डिजिटल है, डिजिटल मीटर की बात करूँ ये हमको रेंज दिखाता है, प्रेशर बार्स दिखाता है, गियर दिखाता है कौन सा नहीं है, टाइम एंड डेट भी यहाँ पर शो करता है। ये फ्यूल के लिए मिल जाता है, स्पीड के लिए, और इधर के साइड में RPM और टेम्परेचर के लिए। बीच में बहुत प्यारा सा अशोक लेलैंड का लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कुछ OBD कनेक्शंस के लिए ये है, कुछ ऐसा इसका डैशबोर्ड आता है। क्लच की बात करूँ, क्लच इसके अंदर हमको 380 mm डाया विद क्लच बूस्टर के साथ में हमको क्लच देखने को मिल जाती है। ब्रेक्स की बात करूँ, ब्रेक्स हमको यहाँ पर फुली प्रेशराइज्ड विद ABS के साथ में हमको ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, एंड फुल ही इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलेटर। देखिए पुराना मॉडल वाला एक्सीलेटर है, बट ये जो नई टेक्नोलॉजी के साथ में इस गाड़ी के अंदर उस टाइम पे दिया था वो यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है। तो यही था इसका कुछ केबिन का। तो दोस्तों ऐसा कुछ एक डिटेल रिव्यू था अशोक लेलैंड 1920 HF का हमारे पास, जो कि पुराने कवल के अंदर, पुराने केबिन के अंदर आती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नई नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें, और अगर किसी नई गाड़ी की जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू।